ये साइन। अमूमी मैथमेटिकल इस्तेलाह में आप इसका मतलब इक्वल लेते आए, और हम इसको इक्वल बोलते भी हैं, हम अभी भी अपनी अमूमी इस्तेलाह में इसको इक्वल बोल रहे हैं। बट बाय डेफिनेशन प्रोग्रामिंग के अंदर इसका मतलब इक्वल नहीं होता। इक्वल का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, व्हिच इज़ नॉट द केस, राइट। सो यहाँ बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम असाइनमेंट कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे जो भी एक्सप्रेशन है, मिसाल के तौर पे वो सिंपल वैल्यू है 48, या वो एक एक्सप्रेशन है जिसको अभी इवैल्यूएट होना है, जैसे डेज माइनस वन लिखा हुआ है, इसको इवैल्यूएट किया जाए और जो भी इसका नतीजा आए उसको लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाए। सो ये जो सिंगल इक्वल ऑपरेटर आपको नज़र आ रहा है, ये इक्वलिटी नहीं बल्कि असाइनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। So we are saying that evaluate the expression on the right hand side and assign the result of this expression to the variable on left hand side. Next we have a little quiz. What is the value of hours after running this code? Hours ki value shuru mein 9 hai. Hours mein hum 1 ka izafa kar rahe hain. Hours is equal to hours plus 1. और फिर आर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यू हैव टू गेस कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यस, द वैल्यू वुड बी 9 थी, 9 में 1 का इजाफा हुआ और उसको दोबारा आर्स में स्टोर किया तो आर्स की वैल्यू 10 हो गई। फिर आर्स को 2 से मल्टीप्लाई करके दोबारा आर्स में स्टोर कर दिया तो 10 इंटू 2 20। सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज। सो हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। आर्स को 9 से हमने स्टार्ट किया, आर्स इज इक्वल टू आर्स प्लस 1 और आर्स इज इक्वल टू आर्स इनटू 2। सो नाउ इफ वी प्रिंट आर्स, दिस इज 20 एज वी एक्सपेक्टेड एंड यू राइट एज यू राइटली गेस्ड। Okay, next we talk about defining variables. For Python to be able to output a result, we need to always define a variable by assigning a value to it before using it. So, ये काम अभी तक हम करते भी आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करें तो उससे पहले वो डिफाइन किया जाए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट मिनट्स। यू सी, जब मैंने मिनट्स को प्रिंट करने की कोशिश की तो मुझे यहाँ पे एक एरर मैसेज आया, रेड कलर में आपको एक एरर मैसेज रिसीव हुआ विच इज सेइंग नेम एरर। एंड व्हाट इज दैट नेम एरर, ये आगे उसकी डिस्क्रिप्शन है, नेम मिनट्स। प्रॉब्लम क्या था, मैंने यहाँ मिनट्स को प्रिंट करने की कोशिश की थी तो वो मुझे कोट्स में लिख के कह रहा है नेम मिनट्स इज नॉट डिफाइंड। सो बुनियादी तौर पे हमने मिस्टेक क्या की है कि हमने अपना वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। वेरिएबल डिफाइन कैसे होता है, वेरिएबल यूँ डिफाइन होता है जैसे अभी हमने ये लिखा था, यानी मैंने कहा था वेरिएबल नेम वैल्यू पेयर होता है। तो जब तक आप कोई नाम चूज़ करके उसको कोई वैल्यू नहीं दे देते तब तक वेरिएबल डिफाइन नहीं होता, और जब तक आप उसे डिफाइन नहीं कर लेते आप उसको मज़ीद इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। सो This is what defining the variable means. So, अब यहाँ पे देखिए हम minutes को अगर 30 कर दें, ना it's all right, हमने variable को define कर दिया। अब हम minutes में 1 का इजाफा कर देते हैं, it is accepting that, right? और then what we do is seconds is equal to मिनट्स इंटू 60। हम कहते हैं कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ सेकेंड जिस वक्त हमारे पास होंगे वो मिनट्स को 60 से ज़रब देंगे तो आ जाएंगे। अब लाइक अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ लिखूँ सेकेंड्स, सिंपली सेकेंड्स, तो मैं अगेन देख रहा हूँ कि वही नेम एरर मेरे सामने आता है एंड इट सेज
that the name seconds is not defined. Instead of doing this, agar main yun likhun, seconds is equal to minutes plus, multiplied by 60, so this will work out. So seconds ke andar minutes multiplied by 60 store ho gaya. And if I now try to print seconds, this will print out the value of seconds for me. So minutes initially had 30, then we added 1 to it, so minutes became 31, and then we multiplied 31 with 60, so 31 with 60 is 1860. And we sum this video up with this little quiz, that write Python code that defines the variable age to be your age in years, and then prints out the number of days you have been alive, right? So we read the statement again. Write the Python code that defines the variable age. हमें एक variable age define करना है to be your age in years, जिसको हम assign करेंगे अपनी उम्र सालों में, and then prints out the number of days you have been alive. और फिर आप print कर सकें number of days you have been alive. आपने अपनी उम्र basically दी सालों में, और आपको print करनी है अपनी उम्र दिनों में कि आप कितने दिनों से जिंदा है, राइट? सो वी ट्राई दिस. हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं एज, और फर्ज करें दैट समवन इज 40 इयर्स ओल्ड, राइट? अब हमें प्रिंट क्या करना है, वी नीड टू प्रिंट द नंबर ऑफ डेज वी हैव बीन अलाइव, राइट? अब इसको अप्रोच करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे हम सिंपली यूं लिख सकते हैं, प्रिंट एज मल्टीप्लाइड बाय 365. हम जानते हैं कि हम अगर हमारी उम्र 40 बरस है और हर साल जो है वो 365 दिनों का होता है, तो 40 सिर्फ 365 करेंगे तो द नंबर ऑफ डेज द पर्सन इज अलाइव वो हमारे सामने आ जाएंगे. ये एक अप्रोच है. अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ. समटाइम्स आई सी दैट स्टूडेंट्स लाइक इट लाइक राइट इट लाइक दिस. नाउ दिस इज़ प्रीटी यूजलेस काइंड ऑफ थिंग. आपने अपनी उम्र एक वेरिएबल में स्टोर कर ली है. वेरिएबल में आपने इसलिए स्टोर की है ताकि आप उसको नाम से इस्तेमाल कर सकें. अगर आप उसे अभी भी वैल्यू से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेरिएबल डिफाइन करने का कोई मकसद नहीं रहा. लिहाजा आप हमेशा वेरिएबल्स की मदद से ये काम करें, राइट? सेकंड, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि व्हाई नॉट मेक अनदर वेरिएबल विच स्टोर्स द नंबर ऑफ डेज पर ईयर्स. सो फॉर एग्जाम्पल वी से डेज पर ईयर के नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसको एक साल के दिन असाइन कर देते हैं. तो अब हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, राइट? और अब हम इसको यूं प्रिंट कर लेते हैं, डेज पर ईयर, राइट? दिस विल आल्सो गिव अस द सेम रिजल्ट, राइट? सो दिस इज प्रीटी सब्जेक्टिव कि आपको किस हद तक इस चीज को लेके जाना है. इवन इफ यू लुक एट दिस सॉल्यूशन, तो यहां पे एक वेरिएबल और बनाया गया है. द अप्रोच इट हैज टेकन इज दैट यू नीड टू प्रिंट द नंबर ऑफ डेज यू हैव बीन अलाइव. सो व्हाई नॉट मेक डेज अलाइव अनदर वेरिएबल एंड देन गिव इट द वैल्यू एज मल्टीप्लाइड बाय डेज पर ईयर, राइट? सो डेज अलाइव में ये आ गया. एंड नाउ इफ यू प्रिंट डेज alive, it prints 40,600, right? So the solutions can vary. आपको कितने variables बनाने हैं एक program के अंदर, ये person to person vary कर सकता है. आपकी design approaches में फ़र्क हो सकता है. But don't be hesitant. If you are feeling like that you need to create a variable, create it. This is something which is not merely a science, which is more of an art. And as you move on, as your learning grows, आपके जैसे जैसे programming के concepts grow करते हैं, जैसे जैसे आप problem solving की practice को बढ़ाते चले जाते हैं, आपकी approach automatically refine भी होती जाती है, और इसके साथ साथ
पर्सनलाइज भी होती चली जाती है। जब बहुत एक्सपीरियंस प्रोग्रामर से भी आप बात करेंगे या उनके कोड्स को देखेंगे या उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे एक ही प्रॉब्लम के, तो आपको उसमें वेरिएशंस नज़र आएंगी। ये बात परेशान कुन नहीं है एज लॉन्ग एज यू ट्राई टू बी लॉजिकल एंड यू ट्राई टू बी नीट एंड टाइडी एंड कैंडिड अबाउट योर सॉल्यूशंस।